विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका गुरुग्राम इन दिनों कूड़ा ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है। साइबर सिटी में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब साबित हो रहा है, जिसके चलते न्यू एवं पुराने गुरुग्राम में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में साइबर सिटी को स्वच्छ रखने और उसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए पंजाबी बिरादरी महासंगठन ने सफाई का बीड़ा उठाया है। पंजाबी बिरादरी महासंगठन के बोधराज सीकरी ने अभियान चलाते हुए साइबर सिटी के रेलवे स्टेशन से सफाई की शुरुआत की। ऐसा है कि जैसा कि मैंने पहले भी घोषणा की है कि शहर के अंदर इस समय सफाई के प्रति बहुत लोग के मन में कुछ आक्रोश है, तो एक एनजीओ के नाते, एक समाज सेवी संस्था के नाते, एक सिविल सोसाइटी के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक गहरी प्रयास किया जाए। हालांकि बहुत बड़ा शहर है और कई जगह सफाई की आवश्यकता है, लेकिन उस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हमने एक एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया है। वो एजेंसी के दो ट्रैक्टर प्रतिदिन और एक डंपर और एक जेसीबी और एक सुपरवाइज़र और 25 सफाई कर्मचारी आज न्यू दिल्ली अपना गुड़गांव रेलवे स्टेशन से शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और दो तीन दिन इसी सड़क को ही चमकाएंगे। इसके बाद हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता दिया कि ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमने एक सहसंयोजक नियुक्त किए हैं, धर्मेंद्र बजाज जी और सौरभ सचदेवा जी, उनके फ़ोन नंबर सोशल मीडिया में दिए गए हैं। जहाँ जहाँ लोगों को सफाई करानी उनको फ़ोन करेंगे, वो एक लिस्ट बनाते रहेंगे। यदि बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आया तो हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी एडिशनल मैन पावर भी उसमें ऐड कर सकते हैं और एडिशनल मशीनरी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया फिर हम ड्रा सिस्टम करेंगे। नहीं तो कोई कहे जी मेरे घर के निकली उसके घर के आगे कर दी, तो हम ड्रा सिस्टम के हिसाब से ये फिलहाल 3 महीने तक के निरंतर चलेगा। उसके बाद यदि हरी इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हुई, तो हम इसको आगे एक्शन करेंगे।